ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित अमेरिकन आर्मी के ऐसे जांबाज सोल्जर की है जिन्होंने दूसरे देश में भी आतंकवादी हमले का डटकर सामना किया और उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्हीं जांबाज सोल्जर पर आधारित है आज की मूवी 13 आवर्स, द सीक्रेट सोल्जर ऑफ बेंगाजी। मूवी के शुरुआत में बताया जाता है कि लीबिया देश के बेंगाजी शहर को दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों का नाम दिया गया है, जहां सभी देशों ने अपने दूतावास आतंकवादी हमले होने के डर से बंद कर दिए हैं, पर अमेरिका का एक दूतावास बेंगाजी शहर में सक्रिय है। अब एक अमेरिकन सोल्जर जैक को प्लेन में सफर करते दिखाया जाता है, जहां जैक लीबिया के बेंगाजी शहर के अमेरिका दूतावास की रक्षा को जा रहा है। बेंगाजी पहुंचकर जैक रॉन नामक एक सोल्जर से मिलता है। रॉन और जैक अच्छे दोस्त हैं, तो अमेरिकी दूतावास जाते समय रॉन और जैक एक दूसरे की फैमिली की बातें करते हैं। तभी रॉन जैक को बेंगाजी के खतरनाक लोगों और आतंकी सिचुएशन के बारे में बताता है। रॉन और जैक जब बेंगाजी शहर में दूतावास जा रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ आतंकवादी उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। उनमें थोड़ी झड़प होती है, पर वे दोनों वहां से निकल भागते हैं और अमेरिकी दूतावास में जाते हैं। अब रॉन को CIA के चीफ से बहस करते दिखाया जाता है, क्योंकि रॉन इस बात से नाखुश है कि बाहर आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं और जब कोई मिशन पर जाता है तो रॉन को उसकी टीम नहीं मिलती है। अब जैक दूसरे सोल्जर से मिलता है जो कि CIA चीफ की बुराई कर रहे होते हैं कि चीफ एक नंबर का खड़ूस इंसान है। अब एक दूसरा सोल्जर जैक को पूरे दूतावास से परिचित कराता है। दूतावास में 4 बिल्डिंग्स हैं जहां अमेरिकन CIA के एजेंट काम करते हैं और वहीं की सुरक्षा के लिए जैक जैसे कई सोल्जर को रिक्रूट किया गया है। अब कुछ बदमाश बच्चों को दूतावास के पास रॉकेट जलाते दिखाया जाता है, जिससे सभी सोल्जर हरकत में आ जाते हैं। जैक CIA चीफ से मिलता है। चीफ बोलते हैं कि यहाँ मेरा ऑर्डर चलता है, तुमको यहाँ मेरी परमिशन के बिना कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ के हालात बहुत तेजी से बदलते हैं। अब रॉन को एक मिशन मिलता है जिसमें लीबियाई ऑयल कंपनी के मालिक से रॉन और उसकी टीम को मिलना है और जैक को CIA एजेंट जूलियन का पति बनकर जाना है और उस लीबियाई ऑयल कंपनी के मालिक से डील करना है एक रशियन बनकर। यहाँ रॉन ड्राइवर बनता है और पूरी टीम एक रेस्टोरेंट पहुँचती है। रॉन गाड़ी में बैठे रहता है और चारों तरफ क्या हो रहा है इसका ध्यान रखता है। जैक और जूलियन अब उस ऑयल कंपनी के मालिक से मिलते हैं और उनके बीच डील हो रही होती है कि रॉन देखता है कि कई आतंकवादी उन्हें घेर रहे हैं। रॉन अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और मार्केट जाता है, जहाँ वे आतंकवादी रॉन का पीछा करते हैं। रॉन जैक से बोलता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वे सभी एक गाड़ी में बैठकर दूतावास की ओर जाते हैं, जहां उनकी आतंकवादियों से भरी गाड़ी पीछा करती है। उन आतंकवादियों से रॉन और उनकी टीम जैसे तैसे करके पीछा छुड़ाती है। अगले दिन अब दूतावास में जैक अपनी फैमिली से बात कर रहा होता है कि तभी कमांडर ऑफ चीफ ग्लेन का फोन आता है। ग्लेन ऑनलाइन अमेरिका से सभी सोल्जर्स की मीटिंग ले रहे होते हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर स्टीफन बेंगाजी आ रहे हैं, जिन्हें स्पेशल मिशन कंपाउंड में ठहरना है। स्पेशल मिशन कंपाउंड एक ऐसी जगह है जो आतंकवादियों से घिरी रहती है। एम्बेसडर स्टीफन बेंगाजी के लोगों का दिल और दिमाग जीतने आ रहे हैं, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा अब रॉन और जैक की टीम का है, यही ग्लेन बताते हैं। अब एम्बेसडर स्टीफन के आने से पहले रॉन और जैक पूरी टीम के साथ स्पेशल मिशन कंपाउंड का दौरा करते हैं। कंपाउंड को सुरक्षा की दृष्टि से सबसे कमजोर बताते हैं। वे कहते हैं कि एम्बेसडर को यहाँ कोई भी आसानी से मार सकता है। उस कंपाउंड की सुरक्षा स्टार्क नाम का एक सोल्जर पहले से कर रहा है। एम्बेसडर के आने पर स्टार्क हमेशा एम्बेसडर के साथ रहेगा। अमेरिकी दूतावास में हथियार कम हैं, तो चीफ लोकल सीरियाई व्यक्ति से हथियार खरीदते हैं। सीरियाई व्यक्ति हथियार लेकर आता है। वह थोड़ा सिरफिरा रहता है, ऐसा लगता है कि वह गोली चला देगा, पर थोड़ी देर में वह शांत होता है और पैसे लेकर हथियार देता है। अब एम्बेसडर आते हैं, जो कि अमेरिकी दूतावास में सभी सोल्जर्स से मिलते हैं और वहाँ सभी स्टाफ को एम्बेसडर आने का उद्देश्य पर लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, जिसमें एक सोल्जर सो जाता है, जिस पर CIA चीफ नाराज होते हैं। अब एम्बेसडर दूतावास से स्पेशल मिशन कंपाउंड जाते हैं, जहां कई रिपोर्टर और लोकल व्यक्ति होते हैं, जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं था।
वहां एम्बेसडर सभी आए हुए लोगों को संबोधित करते हैं और स्पेशल मिसल कंपाउंड जाते हैं। दूसरे दिन एम्बेसडर बेंगाजी के बारे में अपनी डायरी में कुछ लिख रहे होते हैं कि आतंकी दूर से पूरे कंपाउंड और एम्बेसडर की फोटो ले रहे होते हैं। एक सोल्जर उन्हें रोकने जाता है और देखता है कि कुछ लोग इकट्ठा होकर कुछ प्लान कर रहे होते हैं। अब दूतावास में दिखाया जाता है कि सभी सोल्जर अपनी अपनी फैमिली से फोन पर या लैपटॉप पर बात कर रहे हैं, जहां जैक को पता चलता है कि वह पिता बनने वाला है। हर सोल्जर अपने घर में बात करके खुश हो रहा होता है। यहां कई सारे आतंकवादियों को एकजुट होकर उन्हें अपनी बंदूकें लहराते दिखाया जाता है, जैसे वे किसी को मारने जा रहे हों। अब वे आतंकवादी स्पेशल मिसल कंपाउंड पर हमला करते हैं, जहां एम्बेसडर रुके हुए हैं। वे आतंकवादी एम्बेसडर की सुरक्षा में तैनात सभी गार्ड को मारकर कंपाउंड में दाखिल होते हैं, जहां वे आतंकवादी बमबारी और गोलाबारी करते रहते हैं। एम्बेसडर एक सीक्रेट रूम में छिप जाते हैं, जहां वे दूतावास में कॉल करते हैं कि उनकी जान खतरे में है। पर अकड़ू CIA चीफ बोलता है कि मुझे ऑर्डर नहीं है स्पेशल कंपाउंड जाने के, और यहाँ रॉन और जैक पूरी टीम के साथ एम्बेसडर को बचाने के लिए उतावली होती है, पर CIA चीफ उन्हें परमिशन नहीं दे रहा होता है। रॉन के रेडियो पर फिर से एम्बेसडर का कॉल आता है कि वे आतंकवादी सीक्रेट रूम में घुस गए हैं। अब रॉन और जैक पूरी टीम के साथ CIA चीफ के मना करने पर भी एम्बेसडर को बचाने निकल जाते हैं, जहां स्पेशल मिशन कंपाउंड में भयंकर गोलाबारी आतंकवादियों और एम्बेसडर सुरक्षा कर्मियों के बीच चल रही होती है। एम्बेसडर जिस सीक्रेट चैम्बर में बंद हैं, वहां आतंकवादी तेल डालकर आग लगा देते हैं। एम्बेसडर का दम घुटने लगता है। यहां रॉन और जैक पूरी टीम के साथ आतंकवादियों को मारते हुए कंपाउंड की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां आतंकवादी पूरी टीम पर जामलेवा हमला करती रहती है। यहां मूवी में आतंकवादियों और रॉन जैक की टीम के बीच जबरदस्त गोलाबारी दिखाई जाती है। जब रॉन और जैक की टीम कंपाउंड पहुंचती है तो पूरा कंपाउंड आग की लपटों से जल रहा होता है। रॉन सीक्रेट केबिन में जाता है जहां एम्बेसडर थे, पर वहां आग लगी रहती है और एम्बेसडर वहां नहीं होते हैं। एम्बेसडर को आतंकवादी पकड़ ले जाते हैं और एम्बेसडर के साथ आए उनके एक साथी को गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। तभी पता चलता है कि बड़ी तादाद में आतंकी कंपाउंड की तरफ आ रहे हैं। रॉन सभी सोल्जर्स से बोलता है कि हमें तुरंत इस कंपाउंड से निकलना होगा। जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं इस स्पेशल मिशन कंपाउंड से ले लो और निकलो यहाँ से। अब सभी सोल्जर आपस में बात कर रहे हैं कि एम्बेसडर को अब कोई नहीं बचा सकता। वे आतंकवादी उन्हें मारकर उनकी लाश को सड़कों में घसीटेंगे, चौराहे में लटकाएंगे और एक मिसाल देंगे जिहाद की। अब रॉन और जैक की टीम उस कंपाउंड से बाहर निकल रही होती है कि कई आतंकवादी उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें सारे सोल्जर मारते हुए दूतावास की तरफ आगे बढ़ते हैं। आतंकवादियों और सोल्जर्स के बीच एक भयंकर लड़ाई लड़ी जाती है। अब सोल्जर की एक कार गलत मोड़ ले लेती है, जो कि आतंकवादियों के बीच फंस जाती है। वे आतंकवादी उन सोल्जर्स की कार पर गोलाबारी करते हैं, पर वे सोल्जर जैसे तैसे करके दूतावास तक पहुंचते हैं। उन सोल्जर्स की कार बुरी तरह जल रही होती है। अब CIA चीफ और रॉन के बीच जबरदस्त बहस होती है कि हम एम्बेसडर को बचा सकते थे। जब पहली बार हमारे पास फोन आया था तभी हमें जाने दिया होता तो हम एम्बेसडर को जरूर बचा लेते। रॉन बोलता है कि आतंकवादियों ने जीत का स्वाद चख लिया है, वे कभी भी यहां आकर हमला कर सकते हैं। पर चीफ एयरपोर्ट की तरफ जाने पर अड़ा रहता है। रॉन चीफ से बोलता है कि अब आप ऑर्डर दे नहीं रहे हैं, अब आप ऑर्डर ले रहे हैं, वो भी मेरे। रॉन सारे सोल्जर्स को दूतावास की छत पर सारे हथियार के साथ भेजता है और चीफ और उनकी टीम से रॉन बोलता है कि आसपास के शहरों में जितने भी दूतावास हैं उनसे मदद मांगो, उन्हें फ़ोन करो। अब यहाँ बेंगाजी एयरपोर्ट में स्पेशल कमांडो की एक टीम रहती है। वे दूतावास से लगातार कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, पर दूतावास से कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा होता है। यहाँ दूतावास में लीबियन आतंकवादी बहुत सी कारों से चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिन्हें देखकर दूतावास में लीबियन सिक्योरिटी के सारे सोल्जर भाग जाते हैं। अब केवल अमेरिकन सोल्जर्स को ये लड़ाई लड़नी है। सभी सोल्जर दूतावास की चारों बिल्डिंगों के छतों पर मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। अब रॉन देखता है कि कुछ आतंकवादी छिप छिप कर दूतावास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहां कुछ लीबियाई पुलिस की गाड़ियां भी आती हैं, पर आतंकवादियों के डर से वे भी भाग जाती हैं।
अब अमेरिकन सोल्जर जानते हैं कि एक बड़ा हमला होने वाला है। सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात रहते हैं कि एक ग्रेनेड दूतावास में आतंकवादियों द्वारा फेंका जाता है। सभी सोल्जर्स चुन चुनकर उन आतंकवादियों को गोली मारते हैं। एक जबरदस्त फाइटिंग मूवी में दिखाई जाती है। अब बेंगाजी एयरपोर्ट में जो सोल्जर्स फंसे थे उन्हें फिर फोन लगाया जाता है कि दूतावास में उनकी मदद की जरूरत है, पर बेंगाजी एयरपोर्ट से उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल रहा होता है। अब यहाँ अमेरिका में आर्मी कमांडिंग ऑफिस में उथल पुथल मची है कि बेंगाजी में अमेरिकन पर हमला हुआ है और वे अमेरिकन वहाँ फंस गए हैं। अब दूतावास में पहले हमले के बाद सोल्जर्स आराम कर रहे हैं, अपने घर, पत्नी, बच्चों को याद कर रहे होते हैं। वे जानते हैं कि थोड़ी देर और मदद उन्हें नहीं मिली तो सारे सोल्जर मारे जाएंगे। बिना मदद के सारे सोल्जर्स का मरना तय है। तभी आतंकवादियों की एक कार तेजी से दूतावास की तरफ चली आ रही होती है कि फिर फायरिंग चालू हो जाती है। अब आतंकवादी घातक हथियार प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े ग्रेनेड दागते हैं और अमेरिकन सोल्जर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। अब दूतावास के पास एक बस आकर खड़ी होती है जिसमें कई किलो वजनी एक मिसाइल है जो कि पूरे दूतावास के परखच्चे उड़ा सकती है। रॉन उस बस में वह मिसाइल देख लेता है और कहता है कि सभी सोल्जर्स बस पर फायर करें। मिसाइल पर गोली लगते ही एक बड़ा धमाका होता है। इतना बड़ा धमाका देखकर सोल्जर्स भी डर जाते हैं कि यह मिसाइल अगर दूतावास में फटता तो दूतावास का नामोनिशान मिट जाता। थोड़ी देर के लिए गोलाबारी फिर बंद होती है। रॉन और जैक अब बात करते रहते हैं कि हर बार हम लड़ाई से बचने की कोशिश करते हैं पर हर बार हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब एक सोल्जर एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे सोल्जर्स के लिए लेजर सिग्नल भेजता है जिसमें एयरपोर्ट में फंसे सोल्जर दूतावास में आते हैं और तुरंत अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। तभी दूतावास में एक बड़ा धमाका होता है। फिर से आतंकी एक बड़ा हमला दूतावास में करते हैं। काफ़ी बमबारी चालू हो जाती है। अब आतंकी द्वारा फेंका गया एक ग्रेनेड एक सोल्जर के पास फटता है जिससे वह सोल्जर काफ़ी जख्मी हो जाता है। उसे बचाने रॉन आगे बढ़ता है। तभी रॉन के पास भी एक ग्रेनेड फटता है। रॉन और घायल सोल्जर दोनों शहीद हो जाते हैं। जैक रॉन को मरता देखकर रोने लगता है। जैक रॉन की बॉडी के पास आकर बैठ जाता है और रॉन को घूर घूर कर देखकर रो रहा होता है। अब कई सोल्जर गंभीर रूप से जख्मी हैं। दूतावास में CIA चीफ्स कई जगह मदद मांग रहे होते हैं पर कोई मदद नहीं कर रहा होता है। अब सभी दूतावास स्थित लोगों को लगता है कि वे मारे जाएंगे। तभी दूतावास की छत पर तैनात एक सैनिक देखता है कि कई सारी गाड़ियों में एक बड़ी फोर्स उनकी तरफ आ रही है। वह सोल्जर चीफ को इन्फॉर्म करता है कि एक बड़ी फोर्स दूतावास की तरफ आ रही है। सभी लोग घबरा जाते हैं पर वे सभी लोग गाड़ियों से दूतावास के लोगों की मदद को आ रहे होते हैं। वे सभी सोल्जर मित्र सोल्जर्स होते हैं। वे दूतावास स्थित लोगों को गाड़ी में बैठाते हैं और सुरक्षित एयरपोर्ट ले जाते हैं जहां उनका एक प्लेन इंतजार कर रहा होता है। सभी सोल्जर्स रॉन की मौत से दुखी होते हैं और वापस अमेरिका आते हैं और मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको बमबारी, जबरदस्त गोलाबारी, आर्मी मिशन और युद्ध जैसी मूवी पसंद है तो ये मूवी ज़रूर देखें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।